हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी के साथ कांग्रेस का गठबंधन होगा या नहीं, यह फैसला दिल्ली में हो जाएगा। इस वक्त नागौर की लोकसभा सीट चर्चाओं में है। वजह है यहाँ के समीकरण और यहाँ के नेता। खैर, बता दें कि कांग्रेस के राजस्थान में लोकसभा उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट को लेकर काउंटडाउन शुरू हो गया है। 15 सीटों पर उम्मीदवार तय करने के लिए नए सिरे से पैनल तैयार कर बुधवार को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में रखा जाएगा। बाड़मेर सीट से आरएलपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए उमेदाराम बेनीवाल का नाम पैनल में शामिल कर सीईसी में चर्चा होगी। नागौर, सीकर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर सीटों पर पैनल तो तैयार है, लेकिन गठबंधन को लेकर फैसला नहीं होने के कारण पेच फंसा हुआ है। सीईसी में इन तीनों सीटों पर चर्चा होनी है। सीईसी की बैठक में चर्चा के बाद कांग्रेस कभी भी उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। पहले फेज में जिन सीटों पर वोटिंग होनी है उन पर पहले उम्मीदवारों की घोषणा होगी। अगर सहमति नहीं बनी तो दूसरे फेज वाली सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा बाद में करने पर भी विचार हो सकता है। पहले फेज की नागौर और सीकर सीटों पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। इन सीटों पर गठबंधन करने या नहीं करने का फैसला आज हो जाएगा। नागौर सीट पर आरएलपी से गठबंधन पर आज फाइनल फैसला होने की पूरी संभावना है। लोकसभा चुनाव से पहले दल बदलने वाले नेताओं की लाइन लगी हुई है। भाजपा कांग्रेस भी अपने राजनीतिक समीकरण के हिसाब से उन्हें तवज्जो दे रही है। भाजपा और कांग्रेस की राजस्थान में उम्मीदवारों की एक एक सूची जारी हो चुकी है और दोनों ही दल एक एक बागी नेताओं को लोकसभा का टिकट दे चुके हैं। भाजपा ने कांग्रेस छोड़कर आए पूर्व मंत्री महेंद्रजी सिंह मालवीय को डूंगरपुर बांसवाड़ा से टिकट दिया है। वहीं कांग्रेस ने टिकट कटने के बाद भाजपा छोड़कर आए सांसद राहुल कस्वा को चूरू से टिकट दिया है। यदि गुंजल को कांग्रेस कोटा से टिकट देती है तो वो तीसरे ऐसे नेता होंगे। नागौर से भाजपा की उम्मीदवार डॉक्टर ज्योति मिर्धा ने विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस छोड़ी थी। आपको बता दें कि पहले फेज की जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दौसा, करौली धौलपुर, नागौर और सीकर इन 6 सीटों पर उम्मीदवार बाकी है। वहीं दूसरे फेज की पाली, बाड़मेर, राजसमंद, अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, झालावाड़, बारा इन 9 सीटों पर उम्मीदवारों पर फैसला बाकी है। अब नजर है सीकर, नागौर और डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट पर। जो फैसला होगा या तो समीकरण बिगाड़ेगा या फिर बनाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।